एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जहां दोस्तों 22 मार्च यानी जनता कर्फ्यू के तुरंत बाद क्या मोदी और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक बड़ा फैसला लिया है और 31 मार्च तक अब जनता कर्फ्यू को लागू कर दिया गया है। इस दौरान क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, ट्रेन बस मेट्रो सभी को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। यात्रीगण क्या ध्यान दें, मतलब आपको क्या ध्यान रखना है, इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान आपको क्या क्या नहीं करना है। देश के 75 जिलों में यहाँ पर 31 मार्च तक जनता कर्फ्यू को लागू कर दिया गया, यानी 23 मार्च इसको लागू कर दिया जाएगा। और इसके अलावा इस दौरान आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, 75 जिलों में लॉकडाउन यहाँ पर 31 मार्च तक, ट्रेन बस मेट्रो सब यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं कोरोना के वजह से। ये बड़ा फैसला यहाँ पर सरकार ने लिया है और सरकार के साथ अब जनता भी है और जनता के लिए अब यहाँ पर हर एक राज्य के मुख्यमंत्री एक बड़ा कदम, एक ठोस कदम यहाँ पर उठा रहे हैं। लेकिन कोरोना का जो खौफ है अब वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, उसको रोकने के लिए एक बड़ा कदम यहाँ पर कह सकते सरकार के द्वारा लिया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में जानकारी आपको जानना बेहद ही खास जरूरी है, तो जान लीजिए। लॉकडाउन की तरह एक आपातकाल व्यवस्था होती है, अगर आप किसी क्षेत्र में लॉकडाउन हो जाता है तो क्षेत्र के दौरान घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जाती है। इस दौरान आपको बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलना है और जीवन के लिए आवश्यक चीजों के लिए, जैसे बाहर के लिए अगर आप दवा या अनाज की जरूरत आपको पड़ती है तभी आप आ सकते हैं। इसके अलावा अस्पताल, बैंक के काम के लिए भी आप थोड़ी सी अनुमति सरकार से ले सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। बच्चों की या बुजुर्गों की देखभाल के लिए भी आप बाहर आ सकते हैं। इस दौरान आपको बिल्कुल भी आप बिना काम के बाहर निकलना बिल्कुल सख्त मना होता है। इस दौरान आपको कुछ भी नहीं करना है बल्कि घर में ही रहना है। इसके अलावा यहाँ पर यूपी के लिए भी बड़ा कदम यहाँ पर लिया गया है और यूपी के 15 जिलों में पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। और इन 15 जिलों में अगर बात करें तो जिनमें सबसे बड़ा यहाँ पर कह सकते कि आगरा, यहाँ पर लखनऊ, बरेली, यहाँ पर आजमगढ़, अलीगढ़, गोरखपुर, नोएडा, इसके अलावा यहाँ पर रायबरेली की बात कर लें और यहाँ पर जो बात करें तो यहाँ पर वाराणसी, प्रयागराज में भी यहाँ पर लॉकडाउन कर दिया गया है। तो बिहार में भी कोरोना की वजह से अब यहाँ पर 38 साल के सैफ एम्स में आखिरी सांस ली, तो उस दौरान यहाँ पर अब बिहार में भी लॉकडाउन कर दिया गया है। और लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल यहाँ पर सख्त नियमों का पालन भी करना होता है। तो आप कह सकते हैं कि कोरोना वायरस जो है अब वर्ल्ड यानी भारत के 75 जिलों में लॉकडाउन, 31 मार्च तक ट्रेन बस मेट्रो सब यहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो एक बड़ा कदम यहाँ पर लिया गया है। हाल ही में अगर आपको आंकड़े दिखा दें कोरोना के लिए तो 13,000 पार हो चुके हैं मौत के आंकड़े और 35 जिलों में ये लॉकडाउन यहाँ पर किया गया है। और एक वो ही तरीका है जिससे आप यहाँ पर बच सकते हैं अब, और आपको बेहद ही खास इन नियमों का पालन करना है ताकि जो बढ़ रहे हैं कोरोना का जो असर है वो कम किया जा सकते हैं। और इसको लेकर अब जो है बड़े बड़े देश भी इस तरह से लॉकडाउन कर रहे हैं ताकि जो चैन है उसको तोड़ा जा सके। तो कोरोना वायरस से दुनिया भर में मरने वालों की संख्या 13,000 के पार हो चुकी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस से 13,049 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा लोग यूरोप में हुई है और यहाँ पर 7199 लोग इस बीमारी के शिकार हुए हैं। एशिया में अगर बात करें तो 3,459 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इटली में पिछले 24 घंटे में ही 800 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। फ्रांस में पिछले 24 घंटे में 112 लोगों की मौत हुई। तो ये काफी बड़ा यहाँ पर संकट है। उस संकट को निपटने के लिए हर एक देश अपनी अपनी पूरी ताकत यहाँ पर लगा रहा है। इसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है और इसको लेकर भी अब लोग सजग हो चुके हैं कि वो अब इस बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो 31 मार्च तक जो है अन्य राज्यों में भी, जिनमें 75 जिले वो है जहां पर कोरोना वायरस के जो है पॉजिटिव मरीज पाए गए, उन पर लॉकडाउन यहां पर कर दिया गया है। तो आप और हम बिल्कुल ध्यान रखें और सरकार के बनाए गए नियमों का ही हमको पालन करना है। और जिस प्रकार से यहां पर पंजाब और अन्य राज्यों में भी कह सकते हैं कि लॉकडाउन है, राजस्थान की बात कर लें, यहां पर गुजरात की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो हाल ही में मध्य प्रदेश की भी अब मरीजों की यहां पर पुष्टि हुई है। तो वहां पर भी जिसमें भोपाल अगर बात करें तो जबलपुर और इसके अलावा ग्वालियर, यहां पर छिंदवाड़ा के अलावा यहां पर अन्य जो कुछ जिले हैं उन पर भी यहां पर लॉकडाउन यहां पर किया गया। सरकार का एक बड़ा फैसला है। इस दौरान व्यापारियों से भी यहां पर पीएम मोदी ने अपील की है, सरकार ने सभी यहां पर जो कर्मचारी उनका वेतन नहीं कटा है ऐसी भी यहां पर रखी है शर्त। इसके अलावा कोरोना से के यहां पर निपटने के लिए अब दिल्ली में भी जो है यहां पर लॉकडाउन कर दिया गया है। तो देश को बचाने के लिए बड़ी पहल है और इस पहल में सभी लोग को सम्मिलित होना है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए कि आपके सुझाव क्या हो सकते हैं।